इन्फॉर्मेट अर्थात सी टू एस वाई को एच डबल बॉन्ड को इसे हम बोल सकते हैं एथिला फॉर्मेट के साथ जब भी हम क्रिया कराते हैं एथिल फॉर्मेट के साथ जब भी हम क्रिया कराते हैं तो होगा क्या है आईएमपीएस अर्थात मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड का मेथिल ग्रुप हमारा आया हो जाता है मेथिल ग्रुप सीधे अटैच हो जाता है कार्बन से और कार्बन से अटैच होने के बाद यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है इसको ब्रेक करता है यानी इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इस स्थिति आएगी क्या एच सी टू एच फाइव ओ सिंगल बॉन्ड ओ एम जी आई बोल सकते हैं सिंगल बॉन्ड सी एस टी बोल सकते अब यदि हम इसका हाइड्रोनियम आय अर्थात अम्लीय विलयन अम्लीय जलीय विलयन से क्रिया करा लेते हैं H3O से हम क्रिया कराते हैं तो होगा क्या CH3CHO प्लस प्लस C2H5O MCR एथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड इसे बोलेंगे एसिटैल्डिहाइड और इसको बोलते हैं एथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड ये हमारा योगात्मक यौगिक है चलिए ये थे आपके पेशेंट्स